यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में पहले और दूसरे चरण के मुकाबले दागी और करोड़पति प्रत्याशियों की संख्या घटी है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे चरण में बीजेपी के 68 में से 21 यानी 31 फीसदी प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीएसपी में 67 में से 21 यानी 31 फीसदी पर आपराधिक मामले हैं। एसपी में 59 में 13 यानी 22 फीसदी पर आपराधिक मामले हैं। आरएलडी के 40 में से 5 यानी 13 फीसदी और कांग्रेस के 14 में से 5 यानी 36 फीसदी प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जबकि अगर करोड़पति उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी के 68 में से 61 यानी 90% उम्मीदवार करोड़पति हैं। बीएसपी के 67 में से 56 यानी 85% प्रत्याशी करोड़पति हैं। समाजवादी पार्टी के 59 में से 51 यानी 86% करोड़पति हैं। जबकि कांग्रेस के 14 में से 7 यानी 50% करोड़पति प्रत्याशी मैदान में हैं।